नमस्कार, आप देख रहे हैं दास उगम जी। यहाँ पेश हैं बुधवार 3 अगस्त राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 50 यूनिट बिजली फ्री दे रही राजस्थान सरकार पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जमकर हमला बोला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी पार्टियों की सरकारों को घेरते हुए लोकसभा सदन में बीती रात ये कहा है कि बिजली जनरेशन कंपनियों को राज्य सरकार बकाया पैसा नहीं दे रही है। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान की बिजली जनरेटिंग कंपनियों, डिस्कॉम्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर कुल 22,431 करोड़ रुपए का बकाया है। सीतारमण ने कहा है कि ऐसे में बिजली कहां से पैदा होगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूस बकाया के ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद बात बोली है कि फ्री बाइज कल्चर, मुफ्त की संस्कृति में हमें मिल निकलना चाहिए। केंद्र सरकार स्टेट को पैसा नहीं दे रही है, ये बोलने वाले कम से कम हमारी पावर जनरेटिंग कंपनीज, डिस्कॉम्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का बकाया क्लियर कर दें, वरना वो लोग भी पावर क्रिएट करके आपको पैसा कैसे देंगे। जनता को पावर चाहिए, बिजली चाहिए, रोक सकेंगे क्या। राजस्थान में पावर जनरेटिंग कंपनियों के 5,043 करोड़ रुपए बकाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंकड़े पढ़ते हुए ये बड़ा आरोप लगाया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कक्षा 9वीं से 12वीं की क्लास तक एडमिशन डेट बढ़ाई गई। स्टूडेंट्स को मिली बड़ी राहत, अब 16 अगस्त तक कर सकेंगे नामांकन। राज्य सरकार ने प्रदेश में सत्र 2022-23 में प्रवेश से वंचित रहे स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने एडमिशन डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। ऐसे में प्रवेश से वंचित रहने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। जुलाई महीने से एडमिशन प्रारंभ होने के बाद कई बच्चे प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रह गए थे। ऐसे में 100% नामांकन और शिक्षा से वंचित चल रहे ऐसे बच्चे को स्कूलों से जोड़ने के लिए एडमिशन डेट बढ़ा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने एक आदेश जारी कर राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में एडमिशन की लास्ट डेट को 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मंत्री गुड्डा बोले, राज्यसभा चुनाव में मुझे 25 करोड़ रुपए ऑफर हुए, सरकार के सियासी संकट के समय 60 करोड़ रुपए दे रहे थे। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने एक बार फिर राज्यसभा चुनाव और सियासी संकट के समय विधायकों को करोड़ों रुपए देकर खरीद फरोख्त का दावा किया है। राजेंद्र गुड्डा ने कहा है कि राज्यसभा चुनावों के समय एक वोट के बदले 25 करोड़ रुपए का ऑफर मिला। 2 साल पहले कांग्रेस में बगावत के समय आए सियासी संकट के समय 60 करोड़ रुपए के ऑफर का दावा किया गया है। राजेंद्र गुड्डा ने किसी का नाम तो नहीं लिया है। हालांकि राजेंद्र गुड्डा ने कहा है कि मैंने पत्नी से पूछा कि 25 करोड़ रुपए आ रहे हैं, एक वोट ही तो देना है। इस पर पत्नी ने कहा था कि हमें पैसे नहीं चाहिए, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। वही अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 13 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। राजस्थान में पिछले 3 से 4 दिन से सुस्त पड़ा मानसून अब बुधवार से एक बार फिर से एक्टिव होगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है। भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के 13 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, बूंदी, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 3 से 6 अगस्त तक राज्य के अलग अलग जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, लंबी वायरस प्रभावित जिलों को 5-5 लाख रुपए का फंड। 3,000 से ज्यादा गोवंश की मौत, सीएस ने जेनरिक के साथ ब्रांडेड दवा को दी मंजूरी। लंबी वायरस ने राजस्थान की 11 जिलों को चपेट में ले लिया है। 3,000 से ज्यादा गोवंश इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। सीएस उषा शर्मा ने सचिवालय से सभी प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स और पशुपालन विभाग के चिकित्सा अधिकारियों को कहा है कि बीमारी से निपटने के लिए जेनरिक के साथ ब्रांडेड दवा भी खरीदी जा सकती है। प्रभावित जिलों के लिए 5-5 लाख रुपए का फंड रिलीज किया गया है। बिगड़ते हालात के बीच मुख्य सचिव उषा शर्मा ने आनंद फानन में मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे इमरजेंसी बैठक बुलाई है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत बिगड़ी, सीएम के 3 और 4 अगस्त के कार्यक्रम हुए रद्द। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई, इसके कारण 3 और 4 अगस्त को होने वाले कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, बड़ी खबर रीट 2022 को लेकर है। अभ्यर्थी आंसर की और थर्ड ग्रेड के सिलेबस का कर रहे हैं इंतजार। रीट परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रीट 2022 की आंसर की जारी करने की मांग की है। 7 जनवरी 2023 में प्रस्तावित थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी सिलेबस जारी करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना के 300 केस, 3 की मौत, गंगानगर में 2 और कोटा में 1 मरीज की मौत, जयपुर में 100 से ज्यादा केस। राजस्थान में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, एक सप्ताह में दूसरी बार राज्य में कोरोना केस 300 आए हैं। आज 2 जिलों में 3 मरीजों की मौत हुई है। जयपुर में आज लगातार दूसरे दिन 100 से ज्यादा केस मिले हैं। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर नजर डालें
तो आपको बता दें कि जयपुर में 106 केस सामने आए हैं, अलवर में 27, बीकानेर में 24, दौसा में 19, जोधपुर उदयपुर में 16, जैसलमेर में 15, भीलवाड़ा में 12, नागौर में 11, चूरू में 9, कोटा में 7, जालौर में 6, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़ और बाड़मेर में 5-5 केस मिले हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबर।